बड़ा वाला यही आती है। गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम इस टाइम खड़े हैं, आप लोग सामने बोर्ड में देख सकते हैं, कानपुर 90 किलोमीटर, चौबेपुर 80 किलोमीटर, रसूलाबाद 24, यकूबपुर 10 किलोमीटर, इटावा 66 किलोमीटर, आगरा 188, तिरवा 118, कन्नौज 35। दोस्तों ऐसी ही जगह है, यहाँ पर सारी चीज़ें सारी जगह यहाँ से हैं। दोस्तों आप लोग जा सकते हैं, इतने स्थानों सारे रूट यहाँ पे हैं, ऐसे रूट पे खड़े हैं दोस्तों। और आज आप लोगों को बहुत ही ऐतिहासिक जगह लेके चल रहे हैं दोस्तों, और निकलते हैं गाइस। दिखाई दे रहा है जो घूम करके दिखाएंगे, ये अन्नपूर्णा माता का मंदिर है, तिरवा में ये दोस्तों स्थित है, और आप लोगों को लाइव लेके चल रहे हैं दोस्तों, दर्शन कराएंगे। जैसा कि देख सकते हो, हम लोग आ चुके हैं मंदिर में, प्रवेश द्वार मंदिर आ चुके हैं दोस्तों। ये गेट है और उस साइड भी बाइक खड़ी की है, गाइस आ चुके हैं मंदिर के अंदर। पीछे आप लोग देख सकते हैं ऊपर तरफ, बहुत ही विशाल मंदिर दोस्तों, आप लोगों को लेके चल रहे हैं गाइस। पहले लेते हैं प्रसाद दोस्तों, प्रसाद लेने के बाद चढ़ाते हैं, चल के आप लोगों को दिखाएँगे अभी। हाँ गाइस जैसा कि चल रहे हैं, प्रसाद लेते हैं चल के, प्रसाद लेके फिर निकलते हैं मंदिर में। जैसा कि यहाँ पे प्रसाद लेंगे दोस्तों और चलेंगे मंदिर के अंदर, कच्चा के प्रसाद देंगे दोस्तों। पीछे यही मंदिर है गाइस, और चल रहे हैं गाइस। जैसा प्रसाद ले लिया और चल रहे हैं, जैसा गैस देख सकते हो इधर काम चल रहा है, तो इस वजह से उधर भी रास्ता बंद है, तो ये जीना वैसा लगा रखा है। इधर से अभी हम चलेंगे, सबसे पहले प्रसाद चढ़ाएंगे। जय माता दी दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं अन्नपूर्णा माता माँ के दरबार में, लाइव आप लोगों को दोस्तों दर्शन कराते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें दोस्तों, जो और भी लोग देख सकें, आपके फ्रेंड हमारे फ्रेंड सब लोग माताएं बहनें दोस्तों देख सकें, जो आप लोग यहाँ से दर्शन कर सकें दोस्तों, और हर मनोकामना पूर्ण होती है। बहुत ही अच्छा मंदिर है दोस्तों, बहुत ही सिद्ध मंदिर है गाइस। आप लोग लाइव आप लोगों को दर्शन कराते हैं, बोलो अन्नपूर्णा मैया की जय, बोलो अन्नपूर्णा मैया की जय। लाइव दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, दर्शन कर रहे हो लाइव माता रानी के, आप लोग हाथ जोड़ के एक बार जयकारा जरूर दोस्तों बोलेंगे, प्रेम से दोस्तों बोलेंगे, बोलो अन्नपूर्णा मैया की जय। जैसा देख सकते हो आप लोगों को दर्शन कराया दोस्तों, और अब आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ पे जो बहुत ही ऐतिहासिक हाथी है दोस्तों, जिन्हें आदमी गिन नहीं पाता है कोई भी, बहुत ही सिद्ध पीठ है दोस्तों यहाँ की। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
तैंतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस अड़तीस उनतालीस चालीस इकतालीस बयालीस तैंतालीस चवालीस पैंतालीस छियालीस सैंतालीस अड़तालीस उनचास पचास इक्यावन बावन तिरपन चौवन पचपन छप्पन सत्तावन अट्ठावन उनसठ साठ इकसठ बासठ तिरसठ चौंसठ पैंसठ छियासठ सड़सठ अड़सठ उनहत्तर सत्तर इकहत्तर बहत्तर तिहत्तर चौहत्तर पचहत्तर छिहत्तर सतहत्तर अठहत्तर उन्यासी अस्सी इक्यासी बयासी तिरासी चौरासी पचासी छियासी सतासी अठासी नवासी नब्बे इक्यानवे। गाइस जैसा कि देख सकते हो हमने अभी हाल गिने हैं, हाथी इक्यानवे हाथी निकले हैं टोटल, पूरे टोटल हाथी इक्यानवे हैं। और एक यहाँ पे महाराज बैठे हैं, इनसे हम पूछेंगे कितने हाथी। महाराज कितने हाथी हैं? आओ, मैंने तो यही इक्यानवे गिने, नब्बे आपने गिने, मुझे तो इक्यानवे लगे। पूरे हो जाएंगे नब्बे है, अब वो लगा के इक्यानवे है। वैसे मैंने तो गिने, मुझे तो लगा कि जैसे इक्यानवे। दोबारा से गिने, दोबारा दोस्तों गिनते हैं। गैफ जैफक भाई साहब हमें मिले ही बता रहे, कितने आपने गिने, कितने हाथी थे? इक्यानवे बानवे। मैंने गिने दोस्तों दो बार इक्यानवे निकले। बाबा जी बैठे हैं वो कह रहे नब्बे है, ये मिला के इक्यानवे। हाँ इक्यानवे टोटल है, टोटल ये मिला के हैं इक्यानवे। हाँ, लेकिन मैंने ये गिने, ये हाथी मिला के इक्यानवे हैं टोटल। हाँ, लेकिन पूरे तो गिन नहीं सकता है यहाँ दोस्तों। ये मानता है इतनी पक्ति है माता की कि ये कोई गिन नहीं सकता है पूरे हाथी। अब फिर दोबारा देखेंगे दोस्तों, अभी आगे दिखाते हैं आप लोग दोस्तों। सबसे बड़ा हाथी ये है, ये देख सकते हो दोस्तों, सबसे बड़ा हाथी दोस्तों यही है। और भी आप लोगों को दिखाएंगे आगे, देख सकते हैं दोस्तों। बड़ा वाला यही हाथी है, बाकी सब छोटे हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सारे लोग यही बता रहे हैं कि ये गिनो तो 91 है हाथी, बट वैसे तो 90 है और बड़ा बड़ा लगा के 91 है, बट कोई ये चीज़ नहीं बता पाया है दोस्तों। यहाँ का ही ऐसा अद्भुत नज़ारा समझो या दृश्य समझो, चमत्कार समझो दोस्तों, यहाँ का ही चमत्कार ही ऐसा है गाइस। ये इतना पुराना मंदिर है दोस्तों कि आप यहाँ आएँ और दर्शन करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों भक्तों। वीडियो को शेयर करें जो और भी हमारे दोस्त लोग देख सकें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। गाइस और वो महाराज बैठे उनसे भी मिलके ये पता करेंगे कि ये कितना पुराना मंदिर है दोस्तों। अभी आप लोगों को लाइव महाराज से पूछेंगे। नहीं महाराज कहाँ हुए फिर वो क्या नहीं हो गए? तुम तो कह रहे 90 बट वो नहीं हुए। जयपाल महाराज से पूछेंगे अभी कुछ इसके बारे में, मंदिर के बारे में। ये मंदिर समथिंग कितना पुराना है? बहुत पुराना बेटा। कितना समथिंग? कम से कम 700 वर्ष पुराना है। 700? बहुत। अच्छा ये किसने बनवाया था मंदिर? पीतम सिंह ने बनवाया था। पीतम सिंह ने? राजा पीतम सिंह जी ने बनवाया था। अच्छा और इस मंदिर की क्या मानता है? अन्नपूर्णा दरबार है, अन्नपूर्णा माता का मंदिर है ये, 700 साल समथिंग पुराना। और यहाँ चमत्कार तो यही है सबसे बड़ा कि हाथी कोई आज तक ये पूरे कभी नहीं हुए, ये घटते बढ़ते रहते हैं, घटते बढ़ते रहते हैं, कभी 91 कभी 90 85 वो तो दो बार गिना उसे 93 कोई 100 गिन जाता है 100
दोस्तों जैसा कि महाराज ने बताया यहाँ की ये मानता है और बहुत सिद्ध मूर्ति यही है। जो समझो बेटा काम हुआ। अच्छा देखो 12 महीने भीड़ होती है। मेला यहाँ पे कब लगता है? शुक्र सोमवार रोज रोज डेली हर हर हफ्ता शुक्र सोमवार। हाँ और बस चलते रहता है बस अगान में और बैसाख में ये मेला है। अगान बैसाख में फिर मेला है 3 महीना लगता है। नहीं नहीं 15-15 दिन 15-15 दिन लगता है। बहुत सिद्ध पीठ है दोस्तों यहाँ। जो सोच जाइए काम बनता है यहाँ पर। हाँ बहुत भीड़ होती है, भयंकर भीड़ होती है। अच्छा हर काम अषाढ़ी में देखना बहुत भीड़ होगी। अषाढ़ी में जैसा कि महाराज बता रहे यहाँ पर अरे 50 क्विंटल जो गेहूं चढ़ जाता है। 50 क्विंटल गेहूँ ज्यादा विशाल भंडारा भी होता होगा। भंडारा भी होता है। भंडारा तो होता ही है। सही कह रहे महाराज। तो देख सकते हैं पीछे का तरफ बहुत ही अद्भुत मंदिर है दोस्तों। बहुत ही पुराना मंदिर है गाइस। जैसा कि महाराज ने बताया है कि समथिंग 700-800 साल पुराना मंदिर है। कंफर्म महाराज भी नहीं कह सकते हैं, कोई इसका कंफर्म पुराना नहीं है। पत्थर नहीं लगा है। हाँ कोई यहाँ पत्थर वैसा नहीं लगा जिसमें लिखा हो कि ये इतना पुराना, बट ये है बहुत पुराना दोस्तों मंदिर। यहाँ की सबसे बड़ी मान्यता तो आप लोगों को बताई थी हाथी वाला ये सीन। और मेला वेला भी यहाँ पे लगता है, बहुत विशाल मेला लगता है और बहुत ही सिद्ध पीठ है दोस्तों। यहाँ आएँ और दर्शन करें और यहाँ जो भी मनोकामना है वो पूर्ण करें दोस्तों। गाइस जैसा कि देख सकते हो आप लोग, अब हम निकलते हैं। अब गाइस आप लोगों को लेके चल रहे हैं कन्नौज। कन्नौज में गाइस बहुत ही पुराना किला है गाइस, वो दिखाएंगे चल के। और गंगा मैया भी वहाँ से निकली है और गौरी शंकर मंदिर भी वहाँ का है। बहुत ऐतिहासिक चीज़ें खम्बा भी है वहाँ पे। ऐसे ब्लॉग आते रहेंगे दोस्तों अभी एक एक करके। आप निकल रहे हैं अब यहाँ से भी हम लोग और आप लोगों को भी जस्ट लेके चलेंगे। वहाँ पे भी दोस्तों ऐसा इतिहास है कन्नौज में, लोग बताते हैं कि वहाँ पे गाइस खम्बे हैं कोई गिन नहीं पाता है। और माता से एक बार नमन कर लें फिर हम निकलते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट भी लगी रहती है, मेला वेला सिकंजी उकंजी भी बन रही है। गाइस देख सकते हैं सिकंजी का मज़ा लेते हुए। बहुत बढ़िया भाई, बढ़िया सिकंजी बनाई भाई। गाइस जैसा कि देख सकते हो यहाँ एक बगल में और मंदिर है जो कि तालाब में बना हुआ है दोस्तों। तालाब तो सूख गया है देख सकते हो, साइड बगल में ही है गाइस, इस वाले मंदिर के जस्ट बगल में ही है दोस्तों। और लेके चल रहे हैं आप लोगों को दिखाएंगे दोस्तों। देख सकते हैं गाइस यहाँ का नज़ारा, बहुत ही सुंदर व्यू गाइस। तालाब सूख गया है, बाकी ये भी मंदिर दोस्तों बनाया गया है ये, बट बाद में बनाया गया। वो मंदिर पुराना है दोस्तों, बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है, बट ये भी मंदिर कुछ समय बाद स्थापित हुआ था दोस्तों। लाइव आप लोगों को दिखाएंगे दोस्तों। इधर से गेट है तालाब इस साइड और ये गेट है गाइस। जैसा कि हम अंदर जाते हैं अम्मा बोले नंदी महाराज, प्रथम पूज गणेश जी महाराज और भोले बाबा जी जय श्री। और पुजारी जी बैठे सोए रही है, अगरबत्ती जला रही है, अगरबत्ती जला लो। और महाराज कह रहे हैं अगरबत्ती जला लो। और महाराज से थोड़ा पूछे, महाराज ये कितना पुराना मंदिर है? या, या। नहीं है पता बता रहे बड़े पुजारी से पूछो। जैसा कि अगरबत्ती दोस्तों हमने जला ली है और अब परिक्रमा करते हैं दोस्तों। परिक्रमा करके आप लोगों को दिखाएंगे गाइस। इस साइड का व्यू देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, बहुत ही सुंदर व्यू गाइस यहाँ का, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है दोस्तों। ये पानी अभी सूख गया है यहाँ पे गाइस में, बहुत ही अद्भुत दृश्य है यहाँ पे गाइस। आएँ और दर्शन करें दोस्तों। गाइस जैसा कि अब हम निकलते हुए
अब चल रहा है दोस्तों कन्नौज। कन्नौज में बहुत ही पुराना दोस्तों ऐतिहासिक किला है, वो दिखाएंगे चल के आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। दोस्तों मिलते हैं फिर, अगर भी ब्लॉग अच्छा लगे तो गाइस सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय माता दी।